पहले तो मैं जीडीपी की बात करती हूँ, वो जीडीपी घट के 3% और 4% आ गई। इनके पास जवाब है कि कोविड की वजह से साहब ये स्थिति आ गई थी, लेकिन प्री कोविड स्टेज पर ही वो स्टेज पहुंच गई। गूगल पर भी अवेलेबल है। मैं एक सेकंड, एक के मिश्रा जी, एक शशांक जी, लेकिन मैं आ रही हूँ। मैं ये देखिए, ये सब डेटा तो है और ये सब आप खूब बता चुके हैं, लेकिन वजह क्या है और कहाँ पीछे रह रहा है विपक्ष, इस पर भी बात करेंगे। ए के मिश्रा जी बोलिए। के ऊपर हमारे विपक्ष के दोनों मित्रों ने, डॉक्टर साहिबा ने और सपा के जो नेता हैं, जो सवाल उठाया वो बड़ा जेन्यून है। मैं इनको फेवर करता हूं कि भाई जीडीपी कम हो रही है। ये सपा के जो मित्र हैं वो शायद पर एनम जो जीडीपी ग्रोथ होता है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, 6% है, 4 है या 8% है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये पार्टी की बात नहीं है। भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। आजादी के बाद से ही ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। पीएसयू, गवर्नमेंट, प्राइवेट सब मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं। मैं कोविड का भी बहाना नहीं लूंगा और ग्लोबल सिनेरियो का भी बहाना नहीं लूंगा। जैसे भारत एक संघीय ढांचा है, वैसे ही भारत की इकोनॉमी और जो जीडीपी होती है, यूनियन जो जीडीपी होती है, एक टर्म होता है स्टेट जीडीपी। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा जीडीपी होती थी महाराष्ट्र की, सबसे ज्यादा रोजगार भी वहीं होते थे। बंगाल किसी एक जमाने में अंग्रेजों के टाइम में सबसे बड़ा हब होता था बिजनेस और इकोनॉमी का, और मुगलों के टाइम में भी। उसके बाद आप देखिए पंजाब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था, दिल्ली में नौकरी और पर कैपिटा इनकम और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बहुत था। मेरे कहने का मतलब सुनिए, जरा पूछिए ना बंगाल से कि उनकी जीडीपी कितनी हो गई, महाराष्ट्र से पूछिए उनकी जीडीपी कितनी हो गई, राजस्थान से पूछिए स्टेट की जीडीपी कितनी घटी। अरे स्टेट नहीं परफॉर्म करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? और कम क्यों हो रही है जीडीपी? हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंबानी के घर में जब बम रखवाएंगे आप उनके दरवाजे पे, टाटा जाएगी सिंगरूर में तो उसको भगाएंगे, तो आप जीडीपी बढ़ाएंगे? फोन करके आप बोलेंगे कि इतना पहुंचा दो, नहीं तो ये हो जाएगा, तो जीडीपी ऐसा आप पूछिए स्टेट जीडीपी किसकी किसकी गिरी है, क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 28 स्टेट में अगर देखा जाए तो कितने स्टेट को पूछिए बंगाल से, जो सबसे बड़ा हब होता था इकोनॉमी और इन चीजों का, 30 सालों में क्या हो गया जीडीपी का? पूछिए महाविकास अघाड़ी से, इन्होंने जीडीपी का क्या कर दिया महाराष्ट्र का, कर्नाटका से पूछिए, आप साउथ इंडिया के जितने स्टेट हैं उन सब से पूछिए, स्टेट वाइज जीडीपी निकालिए और कॉन्ट्रीब्यूशन दे। बोलिए प्रतिमा जी जल्दी से। मुझे लग रहा है स्टेट वाइज जीडीपी में बहुत ज्यादा पढ़ाई की है इन्होंने, और अच्छी बात है इन्होंने हमारी बात को जीडीपी को कम से कम सहमति जताई, लेकिन जीडीपी माइनस में जा रही है। आज देश की जीडीपी तो बताओ ना कौन से स्टेट के कारण माइनस में जा रही है, बताओ जरा। नहीं पढ़ के आई हो तो पढ़ के आओ, पहले पढ़ के आओ, बताओ महाराष्ट्र की जीडीपी क्यों माइनस में गई? दो तीन बातें हैं, दो तीन फैक्टर हैं जिनका जिक्र है। नेशनल जीडीपी घट गई है, हल्ला मचाओ, सरकार हटाओ। प्रतिमा जी बोलिए, मुझे स्टेट वाइज जीडीपी बताओ, महाराष्ट्र की जीडीपी। आप जवाब जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं कि मिश्रा जी बताइए, राजस्थान में नौकरी का क्या हुआ, कितने परसेंट आप बेरोजगारी पर, जवाब ले लेते हैं प्रतिमा जी से, जवाब ले लेते हैं प्रतिमा जी, जवाब एक मिश्रा जी एक सेकंड बोलिए प्रतिमा जी, जवाब दीजिए। मैं आपका नाम कांग्रेस हेड ऑफिस में दूंगा कि आपको वो ट्रेनिंग दे। एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। सारी जनरलाइज चीजें, सरकार बनाना दूसरी चीज है, सरकार, अरे जिन्होंने सरकार बनाई है वो सरकार चलाएंगे ना, आज क्यों नहीं बनाते हो सरकार, किसी और को बनाई चलाओगे आप? बैठता है आपके, मैंने बोला राजस्थान की जीडीपी कितनी है बताइए, राजस्थान की स्टेट जीडीपी कितनी है बताइए, क्यों घट गई? अरे एक सेकंड भाई, अब एक सेकंड रुक जाइए, लड़िए मत, जवाब ले लेते हैं। एके मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं एके मिश्रा जी, एक सेकंड, अब एक सेकंड रुक जाइए, प्रतिमा जी जवाब दीजिए, एके मिश्रा ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ये है, पहली बात सुन लीजिए आप, एके मिश्रा जी ने अगर अब मेरे बीच में बोला तो मैं पूरी डिबेट में इन्हें बोलने नहीं दूंगी, मैं इतना मादा रखती हूँ। अब दूसरी बात सुन लीजिए आप,
मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, क्योंकि कभी अभी इस पैनल पे किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। मैं जो बात पूछना चाहती हूँ वो देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ और उनकी बात करना चाहती हूँ। जब यहाँ सारा ठीक रहा, स्टेट गवर्नमेंट पे फोड़ा जा रहा है, तो जरा यहाँ बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता हैं वो मुझे ये बता दें कि देश की जीडीपी नहीं आएगा। मैं एक बात मैं जानना चाह रही हूँ। इतने सारे मुद्दे भाई, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड। प्रशांत वशिष्ठ साहब से आप लोगों के सवाल बहुत ही वाजिबी विपक्षी पार्टी होने के नाते, एक सेकंड रुक जाइए। प्रशांत वशिष्ठ साहब, आप लोग मुद्दों पर वोट कम मांगते हैं, एक सेकंड। आप माहौल हिंदू हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा क्यों बनाते हैं भाई? आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गए हैं क्या आजकल? विपक्षी पार्टी के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एके मिश्रा जी, एक सेकंड, एके मिश्रा जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। प्रतिमा जी, एक सेकंड।